तो संत की परिभाषा स्वामी जी पहले ही कर दिए कि संत कौन है। तो जहां तक संत का सवाल है और समाज और राज इन्हीं संतों से चलेगा। इन भेदधारी संत जो कि जिन्हें गंगा का पर्व हो रहा है, स्वामी जी का ही परिपूर्णानंद जी थे, उनसे हम बैठे हुए थे। स्वामी जी ने हमसे पूछा कि हरिद्वार में कौन कौन साधन है, हमने कहा एक भी नहीं। एक संत का नाम बोले तो साधन है, तो बोले हमको तो नहीं मिल रहा है आपको साधन। और स्वामी जी जाने किसने किसने साथ दिया। तो मैं कहता हूँ एक शब्द में जान लें, संत हृदय की वस्त है, न उसे भेद से मतलब है न उसे घर में रहने। एक नाथ क्या संत नहीं थे, तुकाराम क्या संत नहीं थे, जनक क्या संत नहीं थे। संत हृदय होता है, संत भेष नहीं होता है। संत का भेष क्यों धारण करने के लिए कहा जो भी शंकराचार्य का जरूरी है। ये तो यदि भेष नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि कौन संत है कौन नहीं संत है, तो और मुश्किल हो जाता। इसलिए शंकराचार्य ने आगामी आने वाले युगों को देखते हुए ऐसी व्यवस्था की है, वो भी जरूरी है। लेकिन संत यह है, और जिनका ये प्रश्न होगा उनको लगता है हमको समाधान दिया गया होगा कि संत कौन है। और मैं अपनी रास्ता बताने से पहले स्वामी जी चाहता हूँ, मैं इस बात को उठाना ही चाहता था, और स्वामी जी कह रहे हैं कि कुंभ मेला का आयोजन विचार गोष्ठी के लिए होता है। कुंभ मेला का आयोजन मेला के रूप में नहीं होता। कुंभ मिलन को मेला कब हो गया वो खोजना हुआ, कुंभ एक मिलन था। जैसे घड़े में सब कुछ मिलता है, जैसे घड़े में समुद्र का मंथन करके और सब चीज घर गया और सार का तो आया, जिस भी आया सब कुछ आया, सब कुछ बांट दिया गया और अंत में घड़े में अमृत आई। तो 12 साल के बाद संतों का जो विचार होता है वही तो अमृत है। उसी विचार को लेकर के सब जाते थे तो वही तो अमृत पान होता था। आज मेला हो गया है, पंडाल में 10 आदमी भी नहीं है पर 10 स्पीकर लगा हुआ है। मैं स्वामी से अनुरोध करता हूँ हम 2-4 आदमी क्यों उन्होंने इसमें यदि इस मुहिम को छेड़ दिया जाए तो यह कुंभ मेला की व्यवस्था नहीं परिवर्तन हो जाएगा। और हम लोग इस बात को उठाएंगे कि जो व्यक्ति जिनके श्रोता जितने हैं अपनी आवाज को अपने श्रोता तक सीमित रखें। हम कहीं के हम कहीं के आयोजन को हमने तो एक हैदराबाद से एक डिवाइस बनवाई है, वो कान में लगाने से जो वक्ता बोल रहा है वो सुनाई देता है, तो जितने लोगों को सुनना है वो डिवाइस उनको दे देंगे कि ये कान में लगा के बैठ जाओ, बाकी उनके बगल बैठा हुआ आदमी उसे वो जो चाहे करे, ध्यान करना चाहे वहीं बैठ के अभी 2000 डिवाइस। एक नई पद्धति शुरू हो गई।